हाँ तो भैया आ गए सब। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले कुछ व्लॉग्स में देखा होगा कि हमारा प्लान गिरते पड़ते कैसे तो भी करके हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो चिकलदरा जाया जाए और चिकलदरा का ट्रिप बनाया जाए। और हम लोगों ने प्लान बहुत बार बनाया बट कभी भी सक्सेसफुल हुआ। और देन अचानक से हम लोगों ने दिन में प्लान बनाया और हम लोग शाम को निकल गए। बट भैया शाम को चिकलदरा का घाट पार करके कुछ हमें मिलने भी नहीं वाला था और हमें व्यू भी नहीं देखने मिलता। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किए कि हम लोग जाते हैं अमरावती में, कुछ एक्सप्लोर करेंगे एंड देन जहाँ तक हम लोग गाड़ी चला पाए हम वहाँ पे जाके रुक जाएंगे। बट हम लोग होटल में नहीं रुकने वाले थे क्योंकि हमें करना था थोड़ा सा एडवेंचर। तो हमने सोचा कि चलो भैया इस बार कार में ही कुछ सोया जाए और कार में कैंपिंग की जाए। परतवाड़ा में हम लोगों ने कार कैंपिंग की, रात को सो गए, सवेरे उठे एंड देन हम लोगों ने चिकलदरा में एंटर किए, हम लोगों ने फोर्ट कवर किया। बट भैया ये वाले एपिसोड की कहानी कुछ अलग है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैक इन अवर कार और यहाँ के सिनेमैटिक शॉट आपने अभी देखे होंगे, होप सो आपको अच्छे लगे। सो भी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और मिलते हैं आपको अगले पॉइंट। हम लोग और एक पॉइंट पे आके रुके। अभी ये पॉइंट का नाम तो हमें भी नहीं पता बट डेवी पॉइंट के जस्ट पहले लगता है ये फोर्ट जाते वक्त। ये ऑलमोस्ट डेवी पॉइंट के जस्ट सामने ही पड़ता है। अब यहाँ से क्या व्यू है कैसा है कुछ पता नहीं, कोई है नहीं यहाँ पे भी। सो हम लोग जल्दी से कवर करके यहाँ से फिर डेवी पॉइंट के लिए निकलते हैं। वो हमने कार वहाँ पर पार्क की है और ये एरिया है, किस बात का एरिया है अगर कुछ ऐसा बोर्ड नहीं लगा है। सो चेक करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोगों ने पिछला पॉइंट कवर किए थे वो वाले एरिया में थे हम लोग, और फोर्ट जो है वो उस साइड में पीछे आता है। और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, वाटरफॉल दिखेगा या नहीं पता नहीं हमें बट हम लोग थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करते हैं। So we are at Devi Point. This is Devi Point Mandir. और यहाँ पे 24/7 पानी गिरते रहता है, अंदर रॉक्स के अंदर से पानी 24/7 बहते रहता है। इतना पानी आता कहाँ से क्या है किसी को नहीं पता बट साइड में यहाँ पे वाटरफॉल भी है और यही वाटरफॉल यहाँ से कैरी ऑन होकर नीचे आता है जो हम लोगों ने पिछले पॉइंट से आपको दिखाया था। काही मंदिराबद्दल सांगा तुम्ही। गुफा आहे ही पांडवकालीन गुफा आहे असं म्हटलं जातं। हां पांडवांचा जो वनवास झाला होता त्याच्यातलं शेवटचं एक वर्ष जे होतं त्याला अज्ञातवास म्हणतात, त्यावेळेला पांडव या गुफेमध्ये वास्तव्यास होते। अच्छा महाभारतामध्ये जो उल्लेख आहे विराट नगरी म्हणून ती त्या काळची हीच नगरी आहे असं म्हणतात। विराट राजाचा जो साळा होता त्याची कुदृष्टी द्रौपदीवर पडली होती
म्हणून भीमाने त्याचा वध केला. किचकाचा वध केला म्हणून याच या नगराचं नाव किचकदरा पडलं आणि कालांतराने त्याचा अपभ्रंश होऊन ते चिखलदरा झालं. आतमध्ये जे पाणी पडतं आहे हे जे सगळीकडे हे पूर्ण पाणी चंद्रभागा नदीचा उगम आहे. हे जे पूर्ण पाणी पडते पाणी पडते आहे हे चंद्रभागेचा उगम आहे. धन्यवाद काका. तुमचं नाव सांगाला मला. मी मुकुंद सालभळे. मुकुंद अमरावती अंबादेवी संस्थानतर्फे इथे मी पुजारी म्हणून आहे. धन्यवाद काका माहिती दिला होता. सर तुमचं नितीन जामोणकर. धन्यवाद सर. सो हम लोगों ने देवी पॉइंट पूरा कवर कर लिया है. यहाँ पे दो पार्किंग है देवी पॉइंट पे आने के लिए. एक आपको पीछे से जो मेन रूट से पड़ेगा वो आता है और एक हम लोग जो रूट से है वो है. यहाँ पे कोई भी पार्किंग नहीं थी सो इसके बारे में मैं गारंटी नहीं लेता ये सेफ है या नहीं. बट हम लोगों ने यही पार्क की थी और हमें लगा ये दूसरा पॉइंट है बट एक्चुअल में हम लोग देवी पॉइंट ही पहुंचे थे. सो अभी यहाँ से निकलते हैं और दूसरा कोई पॉइंट कवर करते हैं और तब तक देवी पॉइंट के सिनेमैटिक्स एंजॉय करो. Oh yeah. Are we talking about losing control? I'ma show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting contemplate. So, हम लोगों ने देवी पॉइंट कवर किया यहाँ से और अभी हम लोग उसके सामने एक शक्कर लेक है वहाँ पर जा रहे हैं. बोटिंग है वहाँ पे अवेलेबल. सो देखते हैं अभी बोटिंग कर सकते या नहीं. सो बेसिकली देवी पॉइंट में ऐसा है कि एक मंदिर है और जैसे कि आपको हिस्ट्री पुजारी अंकल ने बताया. आई फॉरगॉट माय वॉलेट. सो दिस इज शक्कर लेक. आई डोंट नो व्हाई दिस लेक कॉल्ड शक्कर लेक बट इसके भी कुछ हिस्ट्री होगी और वो हमें पता नहीं है. आने वाले ब्लॉग में बताओगे अगर मुझे पता चलती है तो. सो बेसिकली ये ऐसा एक लेक है और इसके अपोजिट साइड में यहाँ से कुंड. ये जो कुंड है ये आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द रिवर. सो द उगम ऑफ दैट रिवर केम फ्रॉम हियर. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे 24/7 पानी गिरते रहता है. एंड ये लोग बोलते हैं कि 12 के 12 महीने में ये पानी गिरता रहता है. और वो जो पानी था इतना ज़्यादा चिल्टा की अक्षय. हाँ पूरा एक रिफ्रेशिंग सा फील होता है जब हम अंदर जाते हैं और वो मंदिर में रुकते हैं. अमेजिंग. और जस्ट उसके अपोजिट साइड ही यहाँ पे शक्कर लेक है. सो तो हम लोग बोटिंग नहीं कर रहे बिकॉज बोटिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है. बिकॉज 200 बोल रहे हो और वो भी 20 मिनट से बोटिंग कराएंगे मतलब खुद से ही करना है. 200 बहुत ज़्यादा हो गया बिकॉज भीड़ भी है तो भी वर्थ नहीं है 200 रुपये देना. बिकॉज अभी हम लोगों ने आपने जैसे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे बालाजीपुरम में हम लोगों ने बोटिंग की. इनफ थी ऑलमोस्ट 3 to 4 minutes की राइड थी और उसमें 20 rupees लेते. दैट इज़ इनफ. बट यहाँ पे भैया आसमान चूम रहे यहाँ के पैसे. सो दिस इज़ द व्यू ऑफ लेक शक्कर लेक. कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे. सो कुछ एक्सप्लोर करने के लिए था नहीं यहाँ पे. सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा लेक का एक अलग साइड से व्यू लेते हैं जैसे कि आप लोगों ने किंडसी वाले वीडियो में देखा होगा. क्यों अक्षय? सो हम लोग यहाँ पे ऊपर ऐसा एक जगह जाने के लिए वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं. और सबसे बढ़िया बात तो हम लोगों को लगा लेक जा रहे तो हम लोगों ने स्लीपर्स पहने और जूते उतार दिए. बट नसीब है वैसा है. क्या करें भैया अगर आप शक्कर लेके आ रहे हो तो ये साइड आओ अच्छी फोटोज आएगी यहाँ से. हम लोग कहाँ जाते हैं क्या करते हैं इसके बारे में पूरी अपडेट्स इंस्टाग्राम पे भी देते रहता हूँ. सो आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया
तो आदित्य बारेंगे इंस्टाग्राम पर जाके सर्च करो, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से भी जा सकते हो। सो जाके फॉलो जरूर करो। मैं कोई भी एक राइड मारता हूँ तो उस वो राइड से रिलेटेड मैं एक IGTV वीडियो बनाता हूँ, बहुत लोग उसे पसंद भी करते हैं। सो अगर आप वो देखना चाहते हो जाके इंस्टाग्राम पे चेकआउट करो। अक्षय के भी इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे भी यहाँ से जो भी हम लोग सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं या फिर कुछ अच्छे अच्छे फोटोज़ लेते हैं वो अक्षय उसके प्रोफाइल पे डालता है। जाके अक्षय को भी फॉलो करो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्यार आप लोग देते हो उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है कोई काम करने के लिए। Control? I'ma show you how we lose control, baby. Watch this. Left, left.